अभी आप देख सकते हो मेरा लोगो हो चुका है तैयार। तो गाइज अभी आप देख सकते हो कितना ज्यादा एट्रैक्टिव लोगो मैंने एक बना लिया है ओनली। अच्छा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक लोगो क्रिएट करने वाले हैं पिक्सल लैब ऐप की मदद से। तो यहाँ पर मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा पिक्सल लैब ओपन हो गया है। इसके बाद जो न्यू टैग सेलेक्ट किया रहा है इसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर डिलीट वाला एक ऑप्शन दिया गया है ऊपर की तरफ, तो इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें एक सेव लेना है या सेव क्रिएट करना है। तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और सेव वाला एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हमें राउंड सेव लेना है हमें, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और राउंड सेव पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद इसके कलर को हमें ब्लैक कर देना है। तो यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन दिया गया है, तो इसको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देंगे, टिक मार्क पे क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद इसके सेव को थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो फिर से हमें एक बार प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर से हमें एक सेव लेना है। तो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें इस बार स्क्वायर से भी रहने देना है। और जो पहला ऑप्शन दिया गया है रेडियस, इसको इंक्रीज़ कर देना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर हम इसे 20 के अराउंड कर देंगे और फिर इसके बाद टिक मार्क पे क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद इसे सेंटर पे लाने के लिए यहाँ 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बीच वाले ऑप्शन पे, थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है रिलेटिव पोजिशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे पोजीशन में लाने के लिए फिर इन दोनों को हमें मर्ज करना है आपस में। तो ऊपर की साइड एक ऑप्शन दिया गया है लेयर्स का, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे टिक मार्क का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और इन दोनों को टिक कर देंगे और नीचे थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों जो सेव हैं हमारे मर्ज हो चुके हैं आपस में। इसके बाद जो वाइट वाली पट्टी है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर एक इरेज कलर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको अनेबल कर देंगे। और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया है इसको पूरा 100 कर देंगे और टिक मार्क पे क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद फिर से हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और एक न्यू टैक्स ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर न्यू टैक्स ऐड कर लेते हैं। फिर इस न्यू टैक्स पे दो बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपने चैनल का नाम टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में अपने चैनल का नाम टाइप करने वाला हूँ। इतना हो जाने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम फॉन्ट को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर नीचे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ एवी फॉन्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हम जो फॉन्ट का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम मीम है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। इतना हो जाने के बाद इसे सही पोजीशन पर लाएंगे। इसके बाद हमें जो अपने चैनल का जो नेम है या टैग्स है इसके कलर को हमें ब्लैक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसके कलर को ब्लैक कर देते हैं और टिक मार्क पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें एक स्टार सेव ले लेंगे। तो यहाँ पर स्टार सेव पर क्लिक करेंगे और टिक मार्क पे क्लिक कर देंगे। इसके कलर को हमें वाइट ही रहने देना है और इसे इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में हम ले आएंगे और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद टिक मार्क पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और एक और न्यू टैग से ले लेना है। तो यहाँ पर अपने चैनल का नाम टाइप कर देता हूँ। इतना हो जाने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें इसको थोड़ा एडजस्ट करके सही पोजीशन पे लाना है, इसके नीचे वाले हिस्से पे। तो यहाँ पर ए बी फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक फॉन्ट दिया गया है पहले से ही पिक्सल लैब ऐप पे, नेविस, इसको सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। इसके बाद इसे सही पोजीशन पे लाएंगे और थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद इन सभी को हमें मर्ज करना है आपस में। तो इनको मर्ज करने के लिए हम लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे एक ऑप्शन दिया गया है टिक मार्क का, इस पर क्लिक करेंगे और सभी पे टिक मार्क कर देंगे और लेयर वाले थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इनको मर्ज कर देंगे। फिर नीचे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है इरेज कलर का, इस पर क्लिक करेंगे और इसको अनेबल कर देंगे। और जो पहला फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया है इसको पूरा 100 कर देंगे और टिक मार्क पे क्लिक कर देंगे।
इसके बाद फिर से हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से हमें राउंड सेव ले लेना है और जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है ऑप्टिसिटी का, इसको बिल्कुल जीरो कर देंगे और जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है इसको 20 के अराउंड कर देंगे और टिक मार्क पे क्लिक कर देंगे। फिर इसको सेंटर पे लाने के लिए या सही पोजीशन पे लाने के लिए रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको सेंटर पे लाएंगे और टिक मार्क पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें जो इसका टेक्सचर है उसको ऐड करना है, तो पहले हम जो बाहर का सर्कल है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया गया है टेक्सचर का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने गैलरी से एक टेक्सचर को ऐड कर लेंगे। तो इस टेक्सचर को पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है तो इसको सिलेक्ट कर देंगे और टिक मार्क पर क्लिक कर देंगे। फिर से एक बार टेक्सचर पर ऐड करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इनेबल का, इसको इनेबल कर देंगे और टिक मार पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो बीच वाला सर्कल है इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से इसके टेक्सचर को हम चेंज कर देंगे या ऐड कर देंगे, तो टेक्सचर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक टेक्सचर को सिलेक्ट कर लेंगे और टिक मार पे क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद इन दोनों सर्कल हैं इनको आपस में मर्ज करना है, तो लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और टिक मार पे क्लिक करेंगे, इन दोनों पे टिक मार कर देंगे और नीचे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। इतना हो जाने के बाद हमें इसमें शैडो क्रिएट करना है, तो यहाँ पर शैडो का ऑप्शन दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे इनेबल कर देंगे और जो इसका शैडो का एंगल है इसको थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है, इसको अराउंड 10 के अराउंड कर देंगे और थर्ड वाले ऑप्शन को भी 10 के अराउंड कर देंगे और टिक मार पे क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद नीचे फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो यहाँ पर फ्रॉम गैलरी का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बैकग्राउंड को हम सिलेक्ट कर लेंगे गैलरी से और टिक मार पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और इसे सेंटर पे लाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो लोगो है, चैनल का लोगो है, वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी चैनल का या अपने चैनल का लोगो बना सकते हो।